Thank you.
ये डर्बन का सबसे बड़ा रेस कोर्स है। यहां दुनिया के हर कोने से मिलेनियर्स आते हैं और कुछ मिलेनियर्स बनने का सपना लेकर आते हैं। इन सपनों को सच करने की रेस में इंसान जीता भी है, मरता भी है और मारता भी है। आज यहां सीजन की सबसे बड़ी रेस होने वाली है, डर्बन कप। ये रणवीर सिंह है। यहां रणवीर सिंह के भी घोड़े दौड़ते हैं। रेस इसका बिजनेस है, इसका पैशन है, इसकी जिंदगी है। स्टैलियंस, ये रैंच हाउस रणवीर सिंह और उसके छोटे भाई राजीव सिंह का है। यहां अच्छी नस्ल के घोड़ों को ट्रेन किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है, बेचा जाता है और रेस में दौड़ाया भी जाता है। रेस के अलावा रणवीर का पैशन है आउटडोर स्पोर्ट्स। खास करके वो जिसमें मौत से आमना सामना। Lives life on the edge. Monto Gibbs, रणवीर का खास जॉकी। रणवीर के घोड़ों की लगाम इसी के हाथ में होती है। कबीर आहूजा, रणवीर का सबसे बड़ा राइवल, एक बहुत बड़ा बुकी। रेस में इसके भी घोड़े दौड़ते हैं। रणवीर को रेस में बराबरी की टक्कर देने वाला अगर कोई है तो वो कबीर ही है। घोड़े तो रेस में अकेले ही दौड़ते हैं, लेकिन जिंदगी की रेस में इंसान को एक साथी की जरूरत होती है। सोनिया, एन अपकमिंग मॉडल, इसे तलाश है एक ऐसे इंसान की जो इसे दिल में बसा ले। अक्सर प्यार की शुरुआत होती है आंखों से और धीरे धीरे बढ़ती है मुलाकातों से। रणवीर और सोनिया एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, सिर्फ प्रपोज करना बाकी है। रणवीर का छोटा भाई राजीव सिंह, लोग सुबह उठकर चाय पीते हैं। उठिए सर, सुबह हो गई, बियर। राजीव रात का हैंगओवर उतारने के लिए बियर पीता। इसे अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रणवीर अपने छोटे भाई को बहुत चाहता है, लेकिन राजीव चाहता है शराब को। What do you like? White lightning. Sophia, Ranveer ki secretary. Sophia Ranveer ko bahut chahti hai. Thank you, I'd forgotten. Lekin Ranveer uski chahat ko uski efficiency samajhta hai. रणवीर का घोड़ा व्हाइट लाइटनिंग आज की रेस का हॉट फेवरेट है। उसने उस पर बहुत पैसे लगाए हैं। आज उसके जीतने पर रणवीर के काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।
you see that? छोड़ूंगा नहीं साले को. Thank you. Thank you all very much. Thank you. I hope you want some money. I'll see you in the office. Okay. All the best. Hi there. Bad luck, Ranveer. Tum haar gaye. I'm sorry. Don't be. मैं अपनी हार को भी सेलिब्रेट करता हूँ. अच्छा, शाम को पार्टी रखना तो मुझे इनवाइट जरूर करना. अस्ता बहुत है साला. जो आदमी बहुत अस्ता है वो रोता भी बहुत है. Thanks for coming. It's all here. Here's the money. Thank you. Thank you. जा रहा है. जाने वाले को कौन रोक सकता है? चारों की जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है. अगर आज 7 अक्टूबर को यह हादसा ना हुआ होता Fantastic. Everything is normal. इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आप ठीक हो गए. It's a miracle. No, no, doc. It's no miracle. My brother is a damn tough guy. Am I right? Right. तो डॉक्टर, आप लोग रणवीर के अकाउंट से कितने पैसे कम करने वाले? जी. मेरा मतलब यह है कि आप इन्हें यहाँ कितने दिन और रखेंगे? ओह, 15-20 दिन तो लगेंगे ही. अरे यू निकल जाएंगे. अच्छा मिस्टर राजीव, आप जब भी फ्री हो जाएं, मुझे मेरे कैबिन में आकर मिल लीजिए. कुछ पेपर साइन करवाने हैं. जरूर, मैं शाम को मिलता हूँ. थैंक्स डॉक्टर. नर्स प्लीज कम. यस सर. ग्रेट. रॉनी, तुम ठीक तो हो ना? गेट वेल सून. मुझे कहना नहीं आता, बस इतना याद रखना कि तुम्हारे बगैर मैं अकेला पड़ जाऊंगा. डोंट वरी राजीव, मुझे कुछ नहीं होगा. आओ. दर्द हो रहा है? या
ओए उसका नहीं, इसका दो से मार लो सब गायब हो जाएगा। वेरी फनी। राजीव सॉरी, मैं वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूं। ओके यू गोना बी फाइन। हेलो Sorry, I'm late. जिनका इंतजार होता है वो अक्सर लेट आते हैं, और अक्सर जो लेट आते हैं वो लाजवाब होते हैं। ये मेरा छोटा भाई है राजीव। Hi. Nice to meet you. Me too. And this is my PA Sophia. Hi. Hi. Nice to meet you. And this is my friend Sonia. Ranveer, Mr. Mark has come. Please excuse me. Rajiv will look after you. Okay. Bye. Bye. Can I get you a drink? Soft drink. This way. अब पता चला रॉनी ड्रिंक क्यों नहीं करता। जो तुम्हें देख ले उसे और किसी नशे की जरूरत ही क्या है? तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। मेरी नजर से देखो तो पता चलेगा कितनी कम तारीफ कर। वैसे लव एट फर्स्ट साइट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? It saves time. Saves time. Love that. You know what we think alike. पर रॉनी ने तुम्हारे बारे में बताया नहीं, कब से जानते हैं उसे? बस 2-3 महीने हुए होंगे। Anything serious? Don't say yes, please. क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि, you know what? Give me one. Max seemed to agree. Oh hello. Hello. राजीव कहाँ है? पता नहीं, बोल के गया 1-2 मिनट में आता हूँ। अच्छा? रॉनी एक बात बोलूँ? तुम दोनों में बहुत फर्क है। लड़कियों के मामले में he's much faster than me. Not bad. पहली मुलाकात में आपको काफी इंप्रेस कर दिया। I'm not
एक और बॉटल लाओ। मजा आया भैया। लोग कहते हैं कि शराब इज अ स्लो पॉइजन, इज इट ट्रू? या इट्स ट्रू। वेरी गुड, मुझे कहा जल्दी मरना है। कम ऑन, लेट्स गो। चलो जी चलो। लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा शराब पीने से इंसान अपना होश गवा देता है। इज इट करेक्ट? करेक्ट। वेरी गुड। होश में रहकर हमें कौन सा चांद पे जाना है? अरे यार, ये भी बोलते हैं लोग कि शराब से ज्यादा नशा प्यार में होता है। या इट्स ऑल ट्रू राजीव, सब राइट हो जाएगा। अब चलो अंदर चलो। नहीं भैया, वो सोनिया एक बार मेरी जिंदगी में आ जाए ना, फिर शराब पीना हमेशा के लिए गायब। शीज ब्यूटिफुल, आई स्वेयर शीज She's amazing. आई बस मेरी 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 ये बात याद रखना, हमेशा के लिए छोड़ दो, हमेशा के लिए छोड़ दो। Morning. Morning. Anything urgent? हाँ, आज ही एक्साइज डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। देख तो लीजिए। अच्छी लग रही हो। मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ। वो तुम देख लेना। Anything else? हाँ, बैंक मैनेजर का कल फिर रिमाइंडर के लिए फोन आया था। ब्रांच के मॉर्टगेज की 4 इंस्टॉलमेंट देना बाकी है। ओके, एक काम करो, केप टाउन के किसी भी स्टेट एजेंट को कांटेक्ट करो, वह हमारी प्रॉपर्टी है, उसे बेचकर मैं बैंक के सारे ड्यूज क्लियर करना चाहता हूं। ओके, एज सून एज पॉसिबल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सैम। इसे वापस ले जाओ और एक ग्लास पानी में 2 डिस्प्रिन लेकर आओ। लेकिन सर, राजीव सर रोज सुबह यही ड्रिंक पीते हैं। सैम। राइट सर। ओके, यू कैरी ऑन, आई सी यू लेटर इन ऑफिस। ओके। You all right? कल थोड़ा ज्यादा हो गया, सर भारी है। सिर्फ यही बात है या कुछ और भी है? सर बियर कहाँ है? एक्चुअली हैंगओवर इससे भी होता रह जाता है। याद है तुमने कल क्या कहा था?
क्या? यही कि अगर सोनिया तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम पीना छोड़ दोगे। नशे में था भैया, और नशे में आदमी हमेशा सच कहता है। वो जैसे शराबी की जिंदगी में वो कैसे आ सकती है? और अगर आ गई तो? कैसे आ सकती है भैया? अगर आ गई तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर तुमको सोनिया के साथ लंच करना है तो आज दोपहर को क्लब आ जाना, ठीक है? 1 बजे, डोंट बी लेट। सोनिया के साथ लंच? यस सर। सैम सर। थैंक यू। ओ एंड सैम, मुझे ठीक 1 बजे मेरे मोबाइल पर फोन करना। ऑलराइट सर। थैंक यू। वेल, दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय गाइस, तुम लोग क्या कैसे? क्लाइंट के साथ एक मीटिंग थी, वापस जा रहे थे कि तुम पर नजर पड़ गई। Do you mind if we join you? Come sit. You're looking great. And you're looking very fresh today. Rajiv, कल पार्टी में तुम्हारी वजह से ड्रिंक्स की शॉर्टेज तो हो गई होगी। तुम हमेशा ही पीते हो। देखो, शराब पीने की हमेशा दो वजह होती है, खुशी या गम। कल मेरे पास दोनों वजह थी। खुशी इस बात की थी कि तुमसे मुलाकात हुई, और गम इस बात का था कि इससे पहले हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई। Come on, stop now. वैसे सोनिया, आज प्लान क्या है तुम्हारा? Nothing great. Well then, let's make it great. साथ में लंच करते हैं। Sure. Excuse me. Oh, damn. Hi, Priya. Sweetheart, look, I'm so sorry I'm late. Sweetheart? Come on, baby, don't be angry with me. अच्छा एक काम करते हैं। आज का लंच और डिनर दोनों साथ में करेंगे। Happy? I love you, baby. Bye. ये प्रिया कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। 3 महीने के बाद यूएस से वापस आई है, और मैं अपने काम की वजह से भूल गया कि आज लंच उसके साथ करना है। बहुत नाराज है, जाकर मनाना पड़ेगा। After all, पूरी जिंदगी का सवाल है। तो मैं भी चलती हूँ। क्यों? मेरे साथ लंच करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ओके, ग्रेट, गुड। तो मैं चलता हूं। हैव फन। यू गाइस हैव फन। वी विल। वाह, क्या बात है, अकेले खाने का मजा ही कुछ और है। अब तुम कहोगी कि मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ, लेकिन सच तो ये है कि जिस तरह तुम मेरे साथ हो, उस तरह इस रेस्टोरेंट के सारे कस्टमर्स मेरे साथ हैं। ना कोई मेरे से बात करता है, ना कोई मेरे जोक्स पे हंसता है। तुम्हें हो क्या गया आज? इतनी चुप क्यों बैठी हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अपने दोस्त को नहीं बताओगी? हर प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है। लेकिन हर दोस्ती प्यार में नहीं बदलती। एनीवेज, मैं चलती हूँ। कल मेरा फैशन शो है, उसकी रिहर्सल्स पे जाना है। अपने दोस्त को इनवाइट नहीं करोगी? इनविटेशन तो तुम्हारे घर भेजा था, अब तुम आ जाना। थैंक्स फॉर लंच। नो प्रॉब्लम, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं अपनी गाड़ी लेकर आई। फैंटास्टिक, तो तुम मुझे छोड़ दो। जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूं यहां, तू है यहां, मेरी बाहों में आ, अब
So, baby, I love you. Oh, I love you. I love you. I love you so, baby, I love you. दुश्वार है धड़कनों को तुझसे ही दरकार है तुझसे राहते तुझसे चाहते तू जो मिली एक दिन मुझे मैं कहीं हो गया लापता Baby, I love you. Baby, I love you so. Baby, I love you. Oh, I love you. I love you. ड्रिंक क्या लोगी? तुम जानते हो आई डोंट ड्रिंक. राजीव, हम इतनी जल्दी एक दूसरे के कितने करीब आ गए. लेट्स गेट मैरिड. शादी कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि शादी के लिए प्यार होना जरूरी है. अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? नो. कम ऑन बेबी, स्टॉप जोकिंग. I'm not joking. I'm serious. तुम्हारे जैसे लड़की से मैं प्यार कैसे कर सकता हूं? और ये पढ़कर मैं तो क्या कोई भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा. क्या है ये? तुम्हारा बायोडेटा. ये तुम्हारी बचपन से लेके आज तक की जन्म कुंडली है. बड़े गुल खिलाए हैं. हाँ सोनिया, खूबसूरत नाम है. ये नाम तुम्हारे माँ बाप ने नहीं, मुंबई के एक ऑर्फनेज ने दिया है. और वहां 15 साल की उम्र तक तुमने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि अदालत ने तुम्हें रिमांड होम भेज दिया. 16 साल की हुई तो वहां से भागने की कोशिश की और पकड़े जाने पर तुमने वहां के बूढ़े रेक्टर के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो तुम्हें मलेश करने की कोशिश कर रहा था. क्या यार, आज भी सजा काट रहा है. फिर तुम फेमस बार डांसर बन गई. बार का मालिक तुम्हारा दीवाना था. कोई भी हो सकता है. लेकिन तुमने उसका गलत फायदा उठाया और एक दिन बार का सारा पैसा लेकर निकल ही रही थी कि मालिक ने पकड़ ली. एंड यू किल्ड हिम. बोतल मार दिया सर पे. बाप रे बाप, खतरनाक है तू. लेकिन एक एनआरआई आशिक कस्टमर की झूठी गवाही ने तुम्हें बचा लिया. उसी के साथ साउथ अफ्रीका आई थी ना? राजीव, मैं ये सारी बातें तुम्हें खुद बता देना चाहती थी लेकिन मैं डरती थी कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं. खो ना दूं? अच्छा है. तुम्हें क्या लगता है ये फाइल अभी अभी कुरियर से आई है?
तुम पर मेरी नजर तब से थी जब से तुम्हारी नजर रणवीर पर थी। Come to the point. क्या चाहते हो तुम? वही जो तुम चाहती हो, ऐसा? जिस प्रॉपर्टी के लिए तुमने रणवीर को फंसाया वो तो सब बैंक के पास गिरवी पड़ी है, लेकिन मेरे पास एक 100 मिलियन का प्लान है, और अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? जिंदगी भर जिस बाप से मैं नफरत करता रहा, मरते मरते उसने एक अच्छा काम किया। हम दोनों भाइयों के नाम 50-50 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली। अगर मेरा भाई एक्सीडेंट में मरता है तो डबल इंडेमनिटी क्लॉज के तहत मुझे 100 मिलियन मिलेंगे। वाह, तुम्हारे सामने मेरी फाइल तो कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक तुम जैसा कमीना नहीं देखा जो पैसों के लिए अपने भाई को भी मार सकता है। इसमें हैरत की क्या बात है? रणवीर खुद कहता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं तो बस उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। अगर तुम्हारा प्लान सेट ही था तो मेरे साथ प्यार का इतना लंबा नाटक करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि रणवीर की नजर में हमारी रिलेशनशिप नेचुरल लगना बहुत जरूरी था। अब मुझे क्या करना होगा? मुझसे शादी? डोंट वरी, ये शादी एक बिजनेस डील होगी। और फिर? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बेबी, आर यू इन? Are you out? Thank you. Timing क्या है? सर एग्जैक्ट 2 मिनट 7 सेकंड। 7 सेकंड ज्यादा। सैम जी, कल जिन पेपर्स पर मैंने साइन करने से मना कर दिया था जी, वो ले आओ। राइट सर। हाय रणवीर, आई थिंक तुम्हें जितना घोड़ों से लगाव है और किसी जानवर से नहीं। ऐसी बात नहीं है कबीर, मुझे तुमसे भी काफी लगाव है। That's a good one, it's a good joke. काम की बात करो, क्यों मिलना चाह रहे थे तुम? सुना है ये स्टड फार्म बैंक के पास मॉर्गेज्ड है, अगर तुम चाहो तो मैं छुड़वा सकता हूं। बैंक के सेटलमेंट के अलावा मैं तुम्हें $10 मिलियन देने के लिए तैयार हूं। ये स्टड फार्म मुझे बेच दो। मैंने अक्सर सुना है जिनका दिमाग छोटा होता है वो बातें बहुत बड़ी करते हैं। मैं समझा नहीं। यही तो एक अच्छी बात है तुम्हें, तुम ना समझो। ये घोड़े, ये स्टड फार्म, ये सब मेरे खून में दौड़ते हैं। इट्स नॉट फॉर सेल, मैंने कभी नहीं बेचूंगा। सर पेपर्स। कैन आई बोरो योर पेन प्लीज? एक्सक्यूज मी, दैट्स माय पेन। थैंक यू। मेरा ऑफर अभी भी ओपन है, एक बार फिर सोच लेना। कबीर, मैं सोचकर फैसला करता हूं, फैसला करके सोचता नहीं। बाय बाय बाय। सर, इस रेस में हमारा 6 नंबर का घोड़ा ब्लू बोल्ट हॉट फेवरेट है, उस पर सबसे ज्यादा बेटिंग लगी है। बाकी घोड़ों पर? बाकी के सारे घोड़ों पर 2-3 मिलियन की एवरेज है। 12 नंबर पर? जी, मैं रणवीर के घोड़े की बात कर रहा हूँ। रणवीर का घोड़ा नया है, उस पर 10-1 का भाव है। 10-1? एक काम करो, मेरे सारे पैसे रणवीर के घोड़े पर लगा दो। लेकिन सर,
20 मिलियन का रिस्क? ये रिस्क सेट है। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मेरे घोड़े के बाद रणवीर का घोड़ा सेकंड बेस्ट आएगा और मेरा घोड़ा फिनिशिंग लाइन के जस्ट पहले स्लो हो जाएगा। रणवीर जीत कर भी हार जाएगा। मतलब जीतेगा रणवीर का घोड़ा और पैसे हम कमाएंगे। यू आर राइट। गुड आइडिया सर। थैंक यू। सोफिया, मेरे 4 मिलियन कबीर के घोड़े पे लगा दो। हम अपने घोड़े पे पैसे नहीं लगाएंगे। प्लीज जस्ट डू एज आई से। Horse number 12, Rising Star, owned by Ranveer Singh. And we've got number 6, owned by Kabir Ahuja, Blue Bolt. These two are the main contenders besides... Sab theek hai? Haan, sir. Good. It's going to be a very, very fast run race. You're all set. Even break by all the runners, and as they settle down to race, it's horse number 6, Blue Bolt, who holds into the lead. He's about less than a quarter in front of 9 carat in second position. Little over is running at closer. Yes. Very close here, and then it's Radio Star looking to make that forward move. And then the two legs coming back. For Capriano on the button, on top here. बर्बाद हो गए सर। हमने 50 मिलियन की बेटिंग ली थी, 80 मिलियन देने पड़ेंगे सर। और 20 मिलियन जो रणवीर के घोड़े पर लगाए थे वो भी गए सर। प्लीज 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 लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। स्लो करवाया, मैंने अपने घोड़े को थोड़ा ज्यादा स्लो करवाया। तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम जीत गए। ऑन बाय द वे, मैंने आज भी एक पार्टी रखी है अपनी हार सेलिब्रेट करने के लिए। आना जरूर। चाहते तो अपने घोड़े पर पैसे लगाकर ज्यादा जीत सकते थे। हार जीत सिर्फ पैसों की नहीं होती सुफिया। मुझे हरा कर कोई मेरी जान भी ले जाए मुझे मंजूर है, लेकिन धोखा देने वाले को मैं दोबारा मौका नहीं देता। राजीव, क्या हुआ? मैंने आज सोनिया को प्रपोज किया। एंड एंड शी सेड यस, हां कर दी उसने, हां कर दी। हे दैट्स ग्रेट राजीव, मैं भी यही चाहता था। बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू, आई लव यू फॉरएवर।
रानी, तुम अब तक जाग रहे हो? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम शराब को हाथ नहीं लगाओगे। भैया, मैं नहीं पीने वाला था, मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। मैं सच कह रहा हूं, स्वयं भैया, यू हैव टू बिलीव मी। तुमने धोखा दिया है, अब मैं तेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। नहीं भैया, ऐसा मत कहना, आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा, आपके सर की कसम। इस कसम का मतलब समझता है तू? दोबारा अगर तूने शराब को हाथ लगाया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। इसीलिए तो इतनी बड़ी कसम खाई है भैया। जाओ, she's waiting for you. कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? उसका अवार्ड तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें बाहर ही दे दिया। तालियों की गूंज यहां तक सुनाई दी। Let's celebrate. Cheers. No, baby. Drinking is injurious to our plan. नशे में जरा सी भी गलती हो गई ना तो रॉनी माफी मांगने का भी मौका नहीं देगा। शेर की शिकार में शिकारी भी मर सकता है। फिर ये शराब पीने का नाटक किस लिए? ये तो रोज चलेगा। मैं रॉनी को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि एक शराबी के साथ तुम्हारी शादी करवा के उसने कितनी बड़ी गलती की। I see. अब आगे क्या प्लान है? बहुत रात हो चुकी है। I think we should call it a night. क्यों? अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है? क्या कहूँ? तुम्हारा बायोडेटा ही कुछ ऐसा है। ऐसे खुद के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। वैसे हमारे बीच शादी एक डील थी, पर अगर तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया बट आई डोंट मिक्स बिजनेस विद प्लेजर। गुड नाइट। Whenever you're ready, baby. रणवीर, केप टाउन से एस्टेट एजेंट का कॉल आया था। हमारी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक क्लाइंट रेडी है। दो दिन में डील फाइनल हो सकती है। मैंने केप टाउन की दो टिकट्स बुक करवा दी है। ठीक है। कुछ पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। एनीथिंग एल्स? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम काफी डिस्टर्ब रहते हो, क्या बात है? राजीव ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। शादी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसने शराब ना पिया हो। Feel sad for Sonia. I don't know how she must be going through. Excuse me. Hello? Yes, I'll just send the copy. मैं भी आती हूँ। वाह, क्या मौसम! ऐसे मौसम में मर्द दो ही चीज चाहता है, a cold beer and a hot chick. तुमसे मैंने पहले भी कहा है, I don't mix business with pleasure. अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। आज रात तुमको रणवीर के पास जाना होगा। And this time, it's purely business.
यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे राजीव के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। सोनिया, राजीव को गलत मत समझना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। राजीव शराब के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। 15 दिन से हमारे बीच में सी कोई रिलेशनशिप नहीं बनी जो एक नॉर्मल हस्बैंड और वाइफ की होती है। रूइन माय लाइफ रॉनी, तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम्हारा भाई शराबी है? अगर मुझे पता होता कि वो अपनी कसम तोड़ देगा तो मैं अपना प्यार। तुम मुझसे प्यार करते थे? क्या बात है, ये तो मेरे से भी बेटर एक्टिंग करती है। Why did you hide it? Why? I'm sorry, Sonia. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी गलती की सजा मैं भुगत रही। I need you. जमाना आ गया, शादी छोटे भाई के साथ, सुहागरात बड़े भाई के साथ। रानी कहती है लड़की वो लकी है जिसके एब्सेंस में भी लोग उसी के बारे में सोचते रहे, और वो लड़की अनलकी होती है जिसके प्रेजेंस में भी लोग कुछ और सोचते रहे। And I think I'm unlucky. Why do you say that? इसलिए कि मैंने सोचा था यहाँ मेरे साथ रहकर तुम अपने सारे प्रॉब्लम सारे टेंशन भूल जाओगे, लेकिन तुम अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती? आज अगर मेरे सबसे करीब कोई है वो तुम हो। I don't know what I'd do without you. Really? You made my evening. तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगता अगर ये बात तुम मुझे जरा जरा क्या the fun. Do you know what I mean like this? Can I get you? Can I touch you? Can I get you? Can I touch you? I said, touch me, touch me, touch me. I said, kiss me, kiss me, kiss me. I said, hold me, hold me, hold me. I said, oh. Touch me, touch me, touch me. I said, kiss me, kiss me, kiss me. I said, hold me, hold me, hold me. I said, oh.
तेरा ही तेरा इंतजार है, मुझे तो बस तुझसे प्यार है, तेरा ही तेरा खुमार है, खुद पे ना मेरा इख्तियार है, तेरा ही तेरा इंतजार है, मुझे तो बस तुझसे प्यार है, तेरा ही तेरा खुमार है, खुद पे ना मेरा इख्तियार है, तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम दम 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 दम, तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम, टच मी टच मी टच मी, सर सर किस मी किस मी किस मी, सर सर हो मी हो मी हो मी, सर सर ओ ओ ओ ओ What you want, what you give is a risk. Yeah, yeah. Two times touch me like this. You're never gonna facade this stop it. भूल जाओ, इट वाज अ मिस्टेक। मिस्टेक? हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। चाहते थे। व्हाटएवर हैपेंड, इट्स ओवर। रॉनी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे भाई के साथ नहीं। तुम उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दो, मैं उसे डिवोर्स ले लूंगी और हम शादी कर लेंगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये नहीं हो सकता। ठीक है, तुम उसे नहीं बता सकते तो मैं बता दूंगी। ऐसा कुछ नहीं करोगी। What next? गन तैयार है, अब सिर्फ ट्रिगर दबाने की देर है। I'm gonna kill that bastard. I swear to God, I'm gonna kill him. क्या बात है राजीव? तुम किसकी बात कर रहे हो? सोनिया, उसका अफेयर चल रहा है किसके साथ? I'm gonna kill that bitch. That's ridiculous, राजीव. तुम्हें गलत फहमी हुई है. सोनिया ऐसी नहीं है. It's a fact. रोज चुप चुप कर किसी से मिलने जाती है. कल रात 2 बजे आई, मैंने पूछा तो कहती है कि मैं कहीं भी जाऊं किसी से भी मिलूं, तुमसे क्या? राजीव, may I say something? सोनिया पर इल्जाम लगाने से पहले सोचो तुमने उसके साथ क्या किया है। तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, तुमने उसे खुशी का एक पल भी दिया है? हर सिंगल मोमेंट। You talking about? मैं एक औरत हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि वो ये सब तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए कर रही है और तुम उस पर शक कर रहे हो। That's bullshit. She's having an affair. I know it. She's having an affair. और मैं उस आदमी को पकड़ के ही रहूंगा।
अरे सोनिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। यार कंफ्यूज्ड हूं मैं। जरा देखो ना इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। रणवीर की मौत के बाद सारे पेपर्स में देना पड़ेगा ना कि अपना प्यारे भैया तुमको ना भूल पाएंगे हम। वो सब तो बाद में होगा, लेकिन रॉनी को मारोगे कैसे? क्या बात कर रही हो तुम? मैं अपने बड़े भैया को मारूंगा? मुझे इंश्योरेंस के $100 million चाहिए ना पगली। भैया को एक्सीडेंट से मरना होगा। लेकिन कैसे? You wanna know my plan, huh? Actually, it's very simple. इस संडे जब भैया केपटाउन से लौटेगा, शाम को मैं सुइसाइड करने ऑफिस के टेरिस पे जाऊंगा और वहां से ठीक 6:30 बजे मैं उसे फोन करूंगा और कहूंगा कि भैया मुझे पता चल गया है कि मेरी बीवी का अफेयर तुम्हारे साथ ही चल रहा है और तुम्हारे रास्ते से हटने के लिए मैं सुइसाइड कर रहा हूं। बेचारा बहुत प्यार करता है मुझे। ये सुनकर उसी वक्त भागकर मुझे बचाने के लिए टेरेस पे आएगा और जब वो मुझे बचाने की कोशिश करेगा तो तुम पीछे से आके उसे धक्का दोगी, उसका बैलेंस बिगड़ेगा और हमारा बैंक बैलेंस। प्लान ब्रिलियंट है। पहले भाई की गर्लफ्रेंड से शादी, फिर शराब का नाटक और फिर भाई का अफेयर अपनी बीवी के साथ और आखिर में सुसाइड का नाटक एंड देन एन एक्सीडेंट। प्लान वाकई ब्रिलियंट है। छोटी छोटी हर बात का ख्याल रखा है राजीव ने, लेकिन वो एक बात भूल चुका है, मैं उसका बड़ा भाई हूं। लेकिन अब तुम्हारा प्लान क्या है? राजीव ने इतनी मेहनत से यह प्लान बनाया है, इसे चेंज करके मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता। प्लान जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा। मरूंगा मैं नहीं, मरेगा वो। हाँ मैं रणवीर बोल रहा हूं, 2 दिन के लिए केपटाउन जा रहा हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। What is the status of the flight arriving from Cape Town? Thank you. रणवीर की फ्लाइट लैंड हो चुकी है। The countdown begins. ये 2 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ केप टाउन में बिताए, इन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगी। They were the most wonderful days of my life. Same here. Bye. Bye. Very punctual. Hello, brother. रॉनी यू बास्टर्ड, सोनिया के साथ जिसका अफेयर चल रहा है वो तुम हो, ये सब पता चल गया है। यू कॉकरोच। सुनो राजीव, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। कहाँ हो तुम? ऑफिस के टेरेस पर, यू रैट। जहां से मैं कूदने वाला हूं, आई एम गोना कमिट सुसाइड। ऐसा मत करो राजीव, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई। अरे चुप कर, गलतफहमी हुई? सोनिया ने खुद मुझे ये बात बताई। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सोनिया तुम्हारी बीवी है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अपने भाई की बीवी के साथ सोते हुए शर्म नहीं आती? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। देखो पागलपन मत करो, तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूं। कोई जरूरत नहीं यहां आने की। आके एक्सप्लेनेशन क्या दोगे कि गलती से अफेयर हो गया? अफसोस इस बात का है रॉनी कि मुझे धोखा देने वाला और कोई नहीं, मेरा अपना भाई है। नो राजीव, दैट्स नॉट ट्रू। यू चीटेड मी,
You backstabbed me. And now I've got nothing left to live for. Listen to me, Rajiv. मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है. गलती? अपने छोटे भाई की बीवी के साथ सोना तुम्हें सिर्फ एक गलती लगती? मेरी बात सुनो. क्या सुनूं? मेरी बहुत अच्छी दोस्त से यही कहा था ना तुमने. अगर इतनी पसंद थी कह दिया होता रॉनी मैं उससे शादी नहीं करता. तुम पहले यहां से उतर जाओ फिर तुम्हें सब समझा दूंगा. $20 million बहुत बड़ी रकम होती है. I'm sorry. I guess this is where we say goodbye, Ronnie. आरडी की असिस्टेंट ये ऑफिस वर्क तो बहुत अच्छा करती है लेकिन आरडी की दिल की बात नहीं समझती. आरडी इंस्पेक्टर रॉबर्ट डिकोस्टा. अब आएगा मजा. वेलकम सर. वेलकम. हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे सर. तुम मुझे ऐसे इनवाइट करो जैसे यहाँ किसी की शादी हो रही है और मुझे पहाड़ा करने के लिए बुलाया. नहीं सर वो दरअसल ये इंडियन कम्युनिटी का केस है ना तो हमें 100% श्योर था कि डिपार्टमेंट आप ही को भेजेगा सर. सबसे पहले ये बताओ. जी सर. हापुस आम का क्या हुआ? हापुस? हाँ तुम मेरे लिए इंडिया से हापुस आम मंगवा लेते ना उसका क्या हुआ? वो मैं भूल गया सर. तुम लोगों का काम में ध्यान ही नहीं है. तुम्हारा प्रमोशन कैसे होगा? मूड खराब कर दिया. ये भाई साहब ने किस फ्लोर से आयोजन किया? 20th फ्लोर से सर. कमाल है. लोग ऊपर से छलांग लगाते हैं चांद पर पहुंचने के लिए. ये उससे भी ऊपर पहुंच गया. क्या वजह थी खुदकुशी? सर ये एक्चुअली सुसाइड नहीं है एक्सीडेंट का केस है. कोई चश्मदीद गवाह? विक्टिम के भाई और भाभी सर. मतलब ये ऊपर से जब गिर रहा था इसके भाई और भाभी इसे टाटा बाय बाय कर रहे थे? पता नहीं सर लेकिन वो दोनों अभी भी ऊपर ही हैं सर. तो हम लोग नीचे क्या कर रहे हैं उनके गिरने का इंतजार? चलो मिनी उनसे पूछताछ करते हैं. शायद उन्होंने इंडिया से आपूस आप मंगवाया. Come on, let's go. Sir, this is Mr. Rajiv Singh and his wife, Mrs. Sonia. Okay, thank you. Hi, I'm Ardi. Robert DeCosta. मैं इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ और यह है मेरी असिस्टेंट मिनी. मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं. जी पूछिए. क्या आप बता सकते हैं यह एक्सीडेंट कैसे हुआ? यह एक्सीडेंट नहीं था. मैंने अपने भाई को मारा. सब मेरी वजह से हुआ. रिलैक्स मिस्टर राजीव. कूल डाउन. रिलैक्स. थैंक यू. तुम लोगी? नहीं तुम पियो. थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए जो आपने इतनी जल्दी अपना जुर्म कबूल कर लिया. ऑफिसर मेरे हस्बैंड के कहने का ये मतलब नहीं था. एक्चुअली ही इज एन अल्कोहलिक और अपने भाई की मौत की वजह को अपने इस पीने की आदत को मानते हैं. इट वॉज एन एक्सीडेंट सर.
अगर अभी यहाँ इनकी वाइफ नहीं होती तो इन्हें फांसी लग जाती। एब्सोल्युटली राइट, बीवी की वजह से बच गया। अक्सर लोग बीवी की वजह से मर जाते हैं। देखिए मिस्टर राजीव, अगर आपको ऐसा लगता कि आपके भाई की मौत एक एक्सीडेंट थी तो इससे आपके पीने का क्या ताल्लुक है? मेरी बेटिंग की बुरी आदत की वजह से रणवीर को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। हमें अपना रैंच हाउस गिरवी रखना पड़ा और केप टाउन की खानदानी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी। उसी के डिप्रेशन में मैं ज्यादा पीने लगा। मुझे लगा कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की वजह मैं ही हूं, इसलिए मैंने सुसाइड करने का फैसला किया। लास्ट मिनट में वो रणवीर मुझे बचाने आया। बदनसीबी से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। सर, जो मरने आया था वो बच गया और जो बचाने आया था वो मर गया। Isn't that strange? मैंने कितनी बार कहा है कि स्ट्रेंजर्स के सामने स्टेज बातें मत करो, अकेले में करो। अभी अभी इन्होंने अपना भाई गवाया है, ऐसी बातें करके तुम इनका दिल और दुखा रही हो। सॉरी मिस्टर राजीव, मेरी असिस्टेंट आपकी बीवी की तरह इतनी समझदार नहीं है। मैं समझता हूं आप पर क्या बीत रही है। रात बहुत हो चुकी है, जाकर आराम कर लो। आई होप जैसा तुमने कहा है मिस्टर राजीव वैसा ही हुआ हो। मिनी, इनकी बातें सुनकर क्या लगा तुम्हें? सच कहूँ सर, मुझे अपने अंकल की याद आ गई। अच्छा, उनकी मौत भी शराब की वजह से हुई थी। बहुत शराब पीते थे वो? नहीं सर, उनके सर पर शराब से भरा हुआ ड्रम गिरा था। मैंने अक्सर देखा है शराब पीने वाले को नहीं, नहीं पीने वाले को मारती है। मिनी, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि तुम्हें उनकी बातें सच्ची लगी या झूठी? सच्ची लगी सर, आपको झूठी लगी? नहीं, इन्वेस्टिगेशन का पहला उसूल है अपने आंख और कान पर भरोसा मत करो, सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा करो। यानी सर आपको ये एक्सीडेंट नहीं लगा? When there is big money involved, baby, accidents are waiting to happen. Correct. लेकिन ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है। क्या सर? वो तुम्हें मैं फिर कभी बताऊंगा। सुनो, कल सुबह तक मुझे सोनिया, रणवीर और राजीव की बायोग्राफी चाहिए। अब ये केला पकड़ो और गाड़ी में बैठो, मैं अंदर आराम से बैठकर खाऊंगा। कम ऑन। आइए आइए राजीव साहब, आइए। कना खाएंगे? एक्चुअली है तो ये चूसने की चीज, लेकिन चूसेंगे क्या कहना अच्छा नहीं लगता। इंस्पेक्टर साहब, ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूं ये हादसा आप लोगों के सामने हुआ था, लेकिन जो प्रोसीजर है उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। आप दोनों काफी हिम्मत वाले हैं। चलिए, लोग ऐसा नजारा देख के या तो बेहोश हो जाते हैं या तो अपना वो फेर लेते हैं। हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी, अब ऑफिस, घर, सारी जिम्मेदारियां इन्हीं पर हैं। यू आर राइट। बॉडी कब क्लेम कर सकते हैं हम? जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती हम बॉडी नहीं दे सकते। अब ऑफिस चलिए, मैं वहीं आता हूं। आपके स्टाफ से कुछ पूछताछ करनी है। आइए। सर, आप बहुत हिम्मत वाले हैं सर, इतनी सारी डेड बॉडीज के बीच आप गन्ना चूस रहे थे। इसमें हिम्मत की क्या बात है, डेड बॉडी उठकर मेरा गन्ना थोड़ी चूसेंगे।
वो बात नहीं सर, लेकिन इतनी स्टिंकिंग डेड बॉडीज के बीच मेरा दिल तो अब तक धक धक कर रहा है। अच्छा, जरा देखू तो। सर टाइम क्या हुआ है सर? क्यों सर, हमें राजीव के ऑफिस जाना है ना। तुम्हारी लाइफ में कभी टाइम अच्छा नहीं आने वाला। क्यों सर? अरे मैंने बताया था ना, तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है। क्या सर? वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। चूसो, मेरा मतलब चलो। अब मैं आपको क्या बताऊं सर? सर रणवीर सर बहुत ही महान इंसान थे सर। वो इंसान और जानवर में फर्क ही नहीं करते थे। वो इंसान से भी जानवरों जितना ही प्यार करते थे। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि रणवीर सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम क्यों रो रही हो? सर आपने संतरे को छीला ना, उसका रस मेरी आंखों में गया। अगला सवाल, राजीव और रणवीर में कैसे रिलेशन थे? सर वो दोनों तो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे सर। सर उनकी जोड़ी तो जैसे भरत और राम की जोड़ी थी सर। यानी दोनों सौतेले भाई थे? हाँ सर, दोनों सौतेले। सर भरत और राम भी सौतेले भाई थे। हाँ सर, आप अब मुझसे और कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर? नहीं, संतरा खत्म, सवाल खत्म। जरा वो, यू आर ए जीनियस सर। संतरे के जितने स्लाइस थे उतने ही सवाल किए। अनार मिलेगा। ये सर के दो चार सवाल तो यहीं गिर गए। ऑफिसर्स, सर्च द एंटायर प्रमाइस ऑफ दिस ऑफिस, यू माइट फाइंड समथिंग इन दिस केस। ओके सर। Come in. आइए। Thank you very much. Mr. Rajiv, आपके स्टाफ के साथ इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। I am 99% satisfied. Anar? इसका मतलब है आपके मन में अभी भी 1% डाउट है। हाँ, जब भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है और पैसा इन्वॉल्व होता है, पता नहीं क्यों मुझे शक हो ही जाता है। जिस रैंच हाउस के बारे में आप सोच रहे हैं वो तो बैंक के पास गिरवी पड़ा है। मुझे पता है, लेकिन मैं रणवीर की उस इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहा हूं जिससे तुम्हें 100 मिलियन मिलने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी ने हम दोनों भाइयों के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। मैं तो उसके बारे में भूल भी गया था। मैं अनार खा रहा हूं तो आप मुझे अनाड़ी तो नहीं समझ रहे हैं। एक बार तो तुम्हें पॉलिसी का ख्याल आया ही होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, और अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। आपने कुछ कहा? जी नहीं। क्या है, मैं जब भी किसी को इंटरोगेट करता हूं अक्सर लोग मुझे साला कमीना ही कहते हैं। बट आई डोंट माइंड, बट वे क्राइम इज कंसर्न, मैं कमीना ही हूं। सुनो यहाँ, ये कौन है? तुम मुझे बता सकती थी। सोफिया मैडम है, रणवीर सर की सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी हो के इतना रो क्यों रही है? ये सब कैसे हुआ? Excuse me, I'm Adi, इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आपके बॉस की डेथ से हमें भी बहुत दुख हुआ। बॉस? वो मेरे बॉस नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड? <Husband? laughs>
ये क्या कह रही हो तुम? रॉनी से तुम्हारी शादी कब हुई? हम जब केप टाउन गए थे वहाँ हमारी शादी हुई थी। यहाँ आकर हम एक सरप्राइज पार्टी देकर सबको न्यूज देने वाले थे। सोफिया जी, मैं आपसे अकेले में कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। Come with me. क्या आप डिटेल में बता सकती हैं कि अचानक ये सब कैसे हुआ? रणवीर शुरू से ही मुझ पर डिपेंडेंट रहते थे, अपने सारे प्रॉब्लम्स मुझे बताते थे। मुझे भी उनका साथ अच्छा लगता था। पिछले 3 महीनों से वो अपने भाई की वजह से डिप्रेस रहते थे। रणवीर की पुरानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी का सौदा करने के लिए हमें केप टाउन जाना पड़ा। वहाँ एस्टेट एजेंट ने क्लाइंट से मिलवाया। वो ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था। डील फिक्स हो गई थी। क्लाइंट ने पेमेंट करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। उस दिन हम दोनों फ्री थे। ये 2 दिन हमने एक साथ गुजारे। रणवीर बहुत खुश थे। ऐसा लगा जैसे वो अपनी सारी परेशानियां भूल चुके हो। उसी दिन रणवीर ने मुझे प्रपोज किया। देना चाहते थे। वो मुझे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस ले गए। हमने शादी की। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी खुशियां सिर्फ 1 दिन के लिए थी।
क्या मैं आपका मैरिज सर्टिफिकेट देख सकता हूं? इसे मैं वेरिफिकेशन के लिए रख सकता हूं? जी। थैंक यू सोफिया जी। थैंक यू फॉर योर ऑफर। Dare you come here? पहले रणवीर की जान ले ली और अब यहाँ सिंपैथी दिखाने आए हो? सोफिया, रणवीर मेरा भाई था। तुम्हारी वजह से उसकी जान गई। I don't want to see your face. Just get out of here. Get out. Calm down. Get out. मिनी, तुमने एक बात ऑब्जर्व की है? यस सर, आज आप आधा किलो स्ट्रॉबेरी खा गए। क्या ऑब्जर्वेशन है? थैंक यू सर। हेलो मिस्टर राजीव, आप यहां भी आ गए। आदत से मजबूर हैं। कुत्ते और पुलिस वाले हमेशा पीछे ही पड़े रहते हैं। मैं अभी आपके इस घटिया मजाक के मूड में नहीं। मैंने इनके मूड को देखकर एक गाना याद आ गया। भवरे ने खिलाया फल और फल को ले गई राजकुमारी। सर मैं समझी नहीं, आप किस फल के बारे में बात कर रहे हैं? समझाता हूं। देखो, ये $100 मिलियन की पॉलिसी एक बहुत बड़ा फल है। अगर इस फल को खाने के लिए राजीव ने रणवीर को मारा है तो यह फल खाएगी रणवीर की बीवी सोफिया। और अगर यह सचमुच एक एक्सीडेंट है और राजीव बेकसूर है तब भी ये फल खाएगी सोफिया ही। आप बार बार ये बात हमें क्यों सुनाते हैं? Have it, please. हमें पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सोनिया। अंगूर खट्टे हैं। सर आप अंगूर नहीं स्ट्रॉबेरी खा रहे। थैंक यू, आप चलें। ओके। सोनिया, मैंने 100 मिलियन का फूल प्रूफ प्लान बनाया है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। 20 रुपए भी नहीं मिले मुझे। तुम्हारी वाइफ बनने से ज्यादा फायदा है रणवीर की विडो बनने में। बिना कुछ के सोफिया मिलियनर बन गई। अब मुझे डिवोर्स दो और आजाद करो। शट अप। वो इंश्योरेंस के पैसे मेरे हैं और मुझे ही मिलेंगे। इम्पॉसिबल, सोफिया के रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। Franco. हेलो मिस्टर राजीव, ये जगह ऐसी नहीं कि मैं आपको वेलकम कह सकूं। तो कैसे आना हुआ? रणवीर तो मर चुका है। एक लड़की है जिसे रणवीर के पास पहुंचाना है। इसमें उसकी फोटो और एड्रेस है और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी, मेरे हाथों से बचने के लिए हर कोई रणवीर जितना लकी नहीं होता। ये काम कब करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। स्वीट हार्ट, पैसे। ये कौन है? इसकी फिक्र मत करो, ये मेरी वाइफ है। डोंट वरी, काम हो जाएगा।
दिखा ही दिया। मैंने सोचा कि $100 मिलियन मिलने की खुशी से पहले थोड़ा थ्रिल हो जाए। How's my baby day? Come to daddy! Come to daddy! तुम में और मुझ में कॉमन क्या है पता है? यही कि वे बोथ न्यूड। और भी एक बात है, हम दोनों को ऊंचाई पसंद है, ऐसी ऊंचाई जहां से हर चीज छोटी दिखती है। ये जगह भी ऐसी ऊंचाई पर है। आई लव दिस प्लेस। अब ये बंगला तुम्हारा ही है? बरसों पहले यह बंगला मेरे डैडी के दोस्त का हुआ करता था। रणवीर और मैं यहाँ खेलने आते थे। बचपन में इसी बंगले के रोड पर साइकिल के रेस लगाया करते थे। यहीं से मेरे और रणवीर के बीच रेस की शुरुआत हुई। रणवीर हमेशा जीतता था। डैडी पार्टी देकर सेलिब्रेट करते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं रोता नहीं था। सोचता था कि रणवीर को कैसे हराया जाए, लेकिन रणवीर डैडी का भरोसा जीतने में मुझसे आगे निकल गया। डैडी की जब डेथ हुई तब पता चला उन्होंने सारा बिजनेस प्रॉपर्टी सब कुछ रणवीर के नाम कर दिया और मैं अपने ही घर में सेकंड क्लास सिटीजन बन गया। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता ना तो रणवीर के सामने हाथ फैलाने पड़ते। वो मुझे बड़े प्यार से सब कुछ देता था, लेकिन साथ साथ ये एहसास दिलाता था कि मैं छोटा हूं और वो बड़ा। उसका यही प्यार जहर बनकर मेरे रगों में दौड़ने लगा, लेकिन आखिर में जहर जीत गया। जिंदगी के रेस में मैंने उसे हमेशा के लिए हरा दिया। Forget the past. अब हमारी जिंदगी में सब अच्छा होगा। बस एक तो रोज में इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा और हमें हमारा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सोनिया। हम दोनों मिले हुए हैं, ये पता चलते ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बेचारी? उसकी मौत का कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसी के हाथों दिलवाया है। काम कब करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। सीधा पैसे सो सैड। लेकिन वो सोनिया को मारेगा कब? इंश्योरेंस का सैंक्शन लेटर मिलने के बाद अब हमारे और पैसों के बीच सिर्फ एक ही आदमी है, ऑफिसर हार्डी। आराम से काटो यार, फूड बड़े नाजुक होते हैं। सर ये मैरिज सर्टिफिकेट का लैब रिपोर्ट है सर, और ये 100% ऑथेंटिक है सर। इसमें रणवीर और सोफिया के सिग्नेचर भी 100% ऑथेंटिक है सर। थैंक यू, तुम जा सकते हो। जी सर। मैं यानी फर्ज करो कि हम दोनों की शादी हो रही है। नो सर, मुझे मंजूर नहीं है। अरे इडियट, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा हूं, तो इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं। इमेजिन करो कि हम दोनों की शादी हो रही है। इमेजिन करो तो आपसे क्यों, ब्रैड पिट से ना करो। तुम क्या अपने आप को एंजेलिना जोली समझती हो? फिलहाल इस केस की बात करते हैं। सोचो कि हम दोनों शादी करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और ये मैरिज सर्टिफिकेट है।
तुम साइन करो। तुमने मेरा पेन क्यों लिया? मुझे पर्स खोलनी पड़ती, पेन ढूंढनी पड़ती और आपकी पेन यही थी तो मैंने ले ली। राइट। आमतौर पर लोग यही करते हैं जो तुमने किया, लेकिन इस मैरिज सर्टिफिकेट में सोफिया का सिग्नेचर इंक पेन से है और रणवीर का सिग्नेचर बॉल पेन से है। मतलब तुम केप टाउन की दो टिकटें बुक करो। क्यों सर? क्योंकि वहां के नारियल बहुत फेमस है। नारियल फूटेगा और अंदर का सच बाहर आएगा। Are you sure? जी हाँ, मिस्टर रणवीर और उनकी सेक्रेटरी सोफिया यहाँ आए थे। एक क्लाइंट के साथ उनकी डील फाइनल हुई थी। क्या शाम तक दोनों यहीं थे? दोनों नहीं सर, सिर्फ मिस्टर रणवीर शाम तक यहाँ थे। दोपहर को अचानक उनकी सेक्रेटरी की तबीयत खराब हो गई, वो वापस होटल चली गईं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। यहाँ से मैरिज ब्यूरो कितनी दूर है? है तो पास ही सर, पर आज संडे इसलिए बंद होगा। हाँ। अब क्या, कल खुलेगा, कल जाएंगे और क्या? तो सर आज हम क्या करेंगे? आज केप टाउन का नजारा देखेंगे। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों देख रहे हो? मिनी, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? जीनियस सर। यार, अरे यार, ये तो मुझे मालूम है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, जो चीज मुझे मालूम है उसे बार बार मत दोहराओ। आई फील एम्बैरेस्ड यार। कुछ और कहो। सर, मैं एक बात पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। सर, वो मैरिज सर्टिफिकेट पर इनका डिफरेंस आपको पता चला, मुझे नहीं। मेरा दिमाग आपकी तरह शार्प क्यों नहीं है सर? इसलिए मिनी कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप बार बार बोलते हो कि मेरा प्रॉब्लम है, आज आप बता ही दो कि मेरा प्रॉब्लम है क्या। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सर बॉयफ्रेंड कैसे होगा, मैं तो सारा दिन आपके साथ ही रहती हूँ। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम लाइफ की सिल्वर जुबली क्रॉस कर चुकी हो और अब तक ना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारी शादी हुई। सर शादी तो आपकी भी नहीं हुई। हाँ हाँ, लेकिन मैं दूसरों की बारात में बहुत नाचा हूँ। देखो, बॉडी को सिर्फ अनाज की भूख नहीं होती, कई भूख होती, जिसके ना मिटने पर बॉडी में फ्रस्ट्रेशन होती और काम में कंसंट्रेशन नहीं रहता। मैं समझी नहीं। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थियरी में समझाई नहीं जाती, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। चलो अंदर चलो, मैं बताता हूँ। कम समझ लो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे पास आता है, तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। सर, लेफ्ट साइड की राइट साइड? यार तुम आओ तो सही, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिर वो तुम्हारे गालों को किस करता है? सर, लेफ्ट साइड की राइट साइड? कोई भी साइड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। फिर वो तुम्हारे होठों को किस करता है? सर यहाँ लेफ्ट राइट तो है नहीं, तो हमें यही रुक जाना चाहिए ना? क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं? सर वो बात नहीं है, मैं आपको भगवान की तरह चाहती हूँ। नाउ दैट्स अ न्यू वन। और भगवान की पूजा की जाती है, प्यार नहीं। राइट सर, बाय। इडियट, अब इसे कौन समझाए कि ये भगवान अपने भक्त से गले मिलना चाहता है। मिस्टर मैक्स, प्लीज हैव अ सीट, ही विल बी हियर इन 5 मिनट्स। थैंक यू। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, तमीज से बात कर। तूने बच्चे पैदा किए तो मेरे पहचान कर रही है, उसमें मेरा हाथ नहीं था। मैं तेरे को बोलूं ना ऑफिस में फोन मत कर, ऑफिस में मेरी इज्जत है, समझी? बच्चे पैदा कर लिए तो मेरे बगैर बच्चे पैदा हो सकते? मेरे बाप को बोलेगी, अरे बीवी हो तो बीवी की तरह रहो। शट अप, बोलो।
देखिए हमें शादी करनी है। अरे आजकल लड़का लड़का लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, आप दोनों को हुआ क्या? कौन सा कीड़ा काट रहा है? मैं तो कहता हूँ शादी करके बीवी लाने के बजाय, बुरा नहीं मानना, शादी करके बीवी लाने के बजाय मोबाइल लीजिए, मोबाइल खरीदिए। एक मोबाइल से बात करो, दूसरा मोबाइल नाराज नहीं होता है, समझे कि नहीं? बुरा नहीं मानना जी, इसको साइलेंट पे रख सकते हैं मगर बीवी को कहाँ रखेंगे? इसका रिंग टोन चेंज कर सकते हैं आप। मैं बोलता हूँ बहन जी, बुरा नहीं मानना, इसका तो एक ही टोन है बीवी का। माफ करना बहन, बीवी हाथ में नहीं आती है, ये मुट्ठी में आ जाता है, जेब में भी रख सकते हैं इसको। मैं तो कहता हूँ इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पुराना देके नया ले सकते हैं। ये तो वही पुरानी, कब तक चलाएंगे इसको? बुरा ना माने बहन जी, बीवी चिंगम की तरह होता है, बीवी चिंगम की तरह होता है। थैंक यू। शुरू शुरू में मीठा लगता है, उसके बाद चबाते रहो, चपर 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 चपर। अगर आपको भी चबाना है जिंदगी भर तो फॉर्म भरिए, मैं साइन कर देता हूँ। मैं आरडी, आरडी बर्मन, म्यूजिक डायरेक्टर। अरे मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका म्यूजिक सुन सुन के तो मैं जिंदा हूँ, वरना कब का मर गया होता है। आरडी साहब, मैं वो आरडी नहीं हूँ। आरडी का मतलब है रॉबर्ट डिकोस्टा, इंस्पेक्टर रॉबर्ट डिकोस्टा। इंस्पेक्ट, मेरी बीवी ने भेजा है। ठीक है साहब, हमारा खाली मुंह का झगड़ा है, फाइट नहीं है। मैं तो क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ। क्या कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि मैं यहाँ केस के सिलसिले में आया हूँ? दूसरे केस के सिलसिले में? अच्छा, और आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ओके, तस्वीर दिखाना। ये सर पे सैंडल लिए, एक मिनट उल्टा पकड़ा। इसे पहचानते हो? यस, ये कुछ दिन पहले मेरे पास शादी करने आई थी। इस लड़के के साथ आई थी? नहीं नहीं नहीं, ये तो शरीफ लगता है साहब, लेकिन जिस लड़के से इसकी शादी हुई ना, वो लड़का बहुत गुस्से वाला था। उसने मेरे फोटोग्राफर को मारा, कैमरा छीन के कैमरा तोड़ दिया, वेरी बैड। लड़का दिखने में कैसा था? हाँ, दिखने में तो दो पैर, दो कान, दो आंख और एक ही नाक था, और बिल्कुल आदमी जैसा लग रहा था, झूठ के बोलू साहब। तुम्हें हमारे साथ डर्बन चलना पड़ेगा, वो हमारे डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट तुम्हारे डिस्क्रिप्शन से उसका स्केच बनाएंगे। आने में तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, लेकिन स्केच ही बनाना है तो मेरे पास उसका फोटो है। हा? आप फोटो देके स्केच बनाइए ना। क्या तुम्हारे पास उसका फोटो है? यस यस, हमारे पास जो भी पंगे वाले आते हैं ना, गुप्त कैमरे से हम उनका फोटो निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया, ये रहा। सर, ये तो राजीव है, लेकिन सोफिया ने तो कहा था कि उसने रणवीर के साथ शादी की थी। बहुत चालाक है राजीव, इसने तो बिना मुंह मारे फल खाने का फंडा ढूंढ निकाला है। अरे तो कुछ भी नहीं है, मेरी बीवी तो बगैर मुंह मारे ऐसी ऐसी चीजें खाती है, मेरे को देख लीजिए ना, 6 फीट का था, 5 फीट का हो गया हूँ। थैंक यू मैक्स, टेक केयर ऑफ योर वाइफ। वेलकम, बुरा नहीं माने बहन जी। गुड मॉर्निंग। आप लोग चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कम। व्हाट अ नाइस सरप्राइज मैम। क्या है कि रणवीर की डेथ के बाद सोफिया काफी लो फील कर रही थी, तो मैंने सोचा यू नो, हाथ में हाथ डालकर बीच पर घूमने निकल चले हैं। सो क्यूट, या रियली क्यूट, कितना अच्छा देवर है, भाभी को भाई की कमी महसूस ही नहीं होने देता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। माना कि यह जगह शहर से बहुत दूर है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, एटलीस्ट पॉलिसी की रकम मिलने तक। गुड वेल, तुम कहना क्या चाहते हो? देखा मैंने, इंटेलिजेंट क्रिमिनल की यही खासियत है, वो कभी हार नहीं मानता। कल मैं केप टाउन गया था, वहां मेरी मुलाकात एक स्टेट एजेंट से हुई, वही जिससे रणवीर भैया और भाभी जी मिलने गए थे। वहां अचानक भाभी जी ने तबीयत खराब होने का नाटक किया, ना तो ये 2 रोज फ्री थी, ना ही रणवीर ने इन्हें प्रपोज किया था। बेचारे रणवीर भैया को लगा कि सचमुच इनकी तबीयत खराब हो गई है, और इन्हें होटल जाकर आराम करने के लिए कहा, लेकिन इन्हें शादी की बहुत जल्दी थी। ये पहुंची मैरिज रजिस्ट्रार के पास, जहां हमारे छोटे भैया राजीव पहले से ही मौजूद थे।
और इन दोनों ने शादी कर ली। मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन तो रणवीर की है, ये चमत्कार कैसे हुआ? इनकी वजह से। मैरिज सर्टिफिकेट पर रणवीर के साइन पहले ही ले लिए थे। कितनी बार बोला मैंने तेरे को ऑफिस से फोन मत कर, मेरे को एक सेकंड ये ले इसमें साइन करो। फिर हमारी भोली भाली भाभी जी ने चुपके से ओरिजिनल सर्टिफिकेट को रणवीर के साइन किए हुए सर्टिफिकेट से बदल दिया। फिर रजिस्ट्रार के सामने उन्होंने रियल सिग्नेचर किए। और मिस्टर पुरुषोत्तम ने सिग्नेचर करने की एक्टिंग की। अब ये पुरुषोत्तम कौन है? मिस्टर राजीव ही मिस्टर पुरुषोत्तम है। इसी नाम से आपने केप टाउन की एयर टिकट बुक करवाई थी ना? हाँ? उस दिन केप टाउन 91 लोग गए थे, 90 लोगों से तो मेरी बातचीत हो गई, बस एक पुरुषोत्तम का आता पता नहीं मिला। लेकिन ये मैरिज ब्यूरो से फोटो जरूर मिला है। कितना लोग हैं? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं पैसा खाऊंगा? Don't insult my intelligence, officer. अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए होते तो अब तक मैं लॉकअप में होता। He's right. You're right. टोटल अमाउंट का 25% लूंगा, 8% सर्विस टैक्स माफ। कब तक मैं ये फ्रूट खाता रहूंगा? Done. बदले में तुम हमें क्लीन चिट दोगे ताकि हमारे पॉलिसी के पैसे तुरंत मिल जाए। मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्लीन चिट दे चुका हूं और ये उसकी कॉपी है। मंडे तक तुम्हें सैंक्शन लेटर भी मिल जाएगा। मैं अब तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। बाय। नमस्ते भाभी जी। मैम। सर, मैं सोच भी नहीं सकती थी, हर बार आप 5-10 लाख का चक्कर चलाते थे, इस बार 100 मिलियन डॉलर्स का 25% यानी 25 मिलियन डॉलर्स। तुम टेंशन मत लो, हमेशा की तरह तुम्हें तुम्हारा कट मिल जाएगा और साथ में 100 रुपया टिप भी। थैंक यू सर। मेंशन नॉट। राजीव के पास कैसे आया? Yeah. You bet.
It's okay. Thank you. पैसे कहां पहुंचा दूं? किंग क्रॉस रोड पर एक चिल्ड्रन सोसाइटी है, कल वहां जाकर मेरा शेयर डोनेट कर देना। डोनेट करूं? मेरा पैसा है, इट्स माय मनी, मैं कुछ भी करूं। गुड लक। सो वियर्ड। इतने करीब से कभी नहीं देखा। जब हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर किस बात का? जब तुमने सोफिया के नाम के सैंक्शन लेटर की बात बताई, मैं तब भी समझ गया कि पैसा मिलते ही राजीव तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। लेकिन राजीव बैंक से पैसे ले जा चुका है। आई नो, मैं यही चाहता था। आफ्टर ऑल है तो मेरे मौत के पैसे,
उसे राजीव कैसे ले जा सकता है? Everything is under control. The plan is working. Oh yeah, I want you to work it for me like this. Yeah. Show me what you work. Come on, show me what I'm working with. Yeah, show me what I'm working with. Hello, sir. Good afternoon. I'd like to make a donation to the orphanage. Sir, आपने बच्चों के लिए इतना बड़ा donation दिया. Thank you very much. मैंने orphanage के manager को पैसे दे दिए. Thanks, buddy. Now enjoy the rest of your life, okay? Bye. Thank you. You're most welcome.
आपने ऑर्फनेज के थ्रू पैसे क्यों लिए? अगर हम डायरेक्ट ले लेते तो मैनेजर को हिस्सा नहीं देना पड़ता। अच्छे काम का नाम लेकर रिश्वत खाने से ना बदनामी का डर होता है ना पकड़े जाने का। मैं तो डर गई थी कि आप सचमुच सुधर गए और इतनी बड़ी चैरिटी कर रहे हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम बेबी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इसलिए जैसा फल चाहिए वैसा कर्म करो। आज के बाद मैं फ्रूट नहीं खाऊंगा, सिर्फ ड्राई फ्रूट खाऊंगा। और राजीव, आज हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी जीत की सेलिब्रेशन। ओके, यू आर द बॉस बेबी। थैंक यू। बरसों पहले ये बंगला मेरे डैडी के दोस्त का हुआ करता था। रणवीर और मैं यहाँ खेलने आते थे। बचपन में इसी बंगले के रोड पर साइकिल की रेस लगाया करते थे। यहीं से मेरे और रणवीर के बीच रेस की शुरुआत हुई। रणवीर हमेशा जीतता था, डैडी पार्टी देकर सेलिब्रेट करते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं रोता नहीं था। सोचता था कि रणवीर को कैसे हराया जाए। लेकिन रणवीर डैडी का भरोसा जीतने में मुझसे आगे कर गया। डैडी की जब डेथ हुई तब पता चला। सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ रणवीर के नाम कर दिया और मैं अपने ही घर में सेकंड क्लास सिटीजन बन गया। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता ना तो रणवीर के सामने हाथ फैलाने पड़ते। वो मुझे बड़े प्यार से सब कुछ देता था, लेकिन साथ साथ ये एहसास दिलाता था कि मैं छोटा हूं और वो बड़ा। उसका यही प्यार जहर बनकर मेरे रगों में दौड़ने लगा, लेकिन आखिर मैं जहर जीत गया। जिंदगी के रेस में मैंने उसे हमेशा के लिए हरा दिया। क्या बात है राजीव, रेस अभी खत्म नहीं हुई और तुमने हार जीत का फैसला भी सुना दिया। यही सोच रहा ना कि मैं टेरेस से गिर गया था। गिरने और मरने में बहुत फर्क होता है। तुमने वही देखा जो मैंने दिखाया। प्लान तुम्हारा नहीं, मेरा चल रहा था। मेरी हर मूवमेंट पर तुम नजर रखते थे और तुम्हारी हर चाल पर मेरी नजर थी। मुझे पता भी नहीं चलता अगर हॉस्पिटल में तुम्हें वो फोन नहीं आया होता। हेलो। हेलो मिस्टर राजीव, ब्रायन को बोल रहा हूँ। इस वक्त फोन क्यों किया? पैसे के लिए। पैसे? किस चीज के पैसे? रॉनी जिंदा है, वो मरा नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा था वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। नो, तुम कुछ नहीं करोगे और जो भी करना है मैं खुद करूंगा। हॉस्पिटल से घर आकर मैंने तुम्हारे बेडरूम की तलाशी ली। वहां मुझे सोनिया की फाइल मिली। मैंने सोचा तुम्हारे पास सोनिया की फाइल कहां से आई जबकि तुम उससे मिले ही नहीं। मैं समझ गया कि मुझे दोबारा मारने के लिए तुम सोनिया का इस्तेमाल करोगे, इसलिए तुम सोनिया की ओर कदम बढ़ाओ। उससे पहले ही मैंने उसका हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दिया। वो मेरे प्यार का सैक्रिफाइस नहीं था। मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा प्लान क्या है। सॉरी राजीव, तुमने जिसे मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो बेचारा खुद ही मर गया। मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। और तुम अब तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हें मारने से पहले मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा प्लान 100 मिलियन का है तो मैंने 200 मिलियन का प्लान बनाया।
दुनिया की नजरों में पहले मैं मर के तुम्हें 100 मिलियन ले लेने दूं, फिर तुम्हें मार के तुम्हारी और मेरी मौत के 200 मिलियन हासिल कर लूं। लेकिन मैंने जो सोचा, तुम उससे ज्यादा स्मार्ट निकले। मुझे भनक भी नहीं लगने दी कि तुम और सोफिया मिले हुए हो, और मेरे मरने के बाद तुमने यह भी साबित कर दिया कि सोफिया मेरी बीवी है, ताकि पुलिस को तुम पर शक ना हो और इंश्योरेंस के सारे पैसे सोफिया के बैंक अकाउंट में आ जाए। एंड यू मिसेस रणवीर सिंह, टच मी किस मी किस मी, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो तुम, तुम्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए। सोफिया के अकाउंट में पैसे आने तक मुझे इंतजार करना पड़ा, और इस इंतजार के दौरान मुझे पता चल गया कि ये सब तुमने सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया, तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरे लिए जहर भरा हुआ था। बचपन से तुम मुझे हराना चाहते थे। एक बार प्यार से कहा होता, मैं जानबूझ के हार जाता। बस इसी बात से मुझे नफरत है। ये प्यार, ये झूठा प्यार जो मुझे बार बार एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूं, जानबूझकर हार जाता। मैं तुम्हें अपनी काबिलियत से हराना चाहता था। तुम कभी जीत नहीं पाए क्योंकि तुम हमेशा मुझे हराने की सोचते थे, और मैं कभी हारा नहीं क्योंकि मैं हमेशा जीतने की सोचता था। आज भी मुझे हराने की कोशिश में तुम खुद हारे हो। हाँ, मैं हार गया, लेकिन तुमने क्या सोचा कि तुम लेक्चर दोगे और मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगूंगा? You wanna kill me? Okay. Come on, kill me. Kill me! Come on! तुम्हारा यही जहर मुझे निकालना है। जिंदगी भर तुम मुझे अपनी काबिलियत पर हराने के लिए तड़पते रहे तो ठीक है, आज फिर एक रेस हो जाए, एक आखिरी रेस। बचपन में हम साइकिल की रेस लगाया करते थे, आज जिंदगी की रेस लगाते हैं, और जो जीत गया सब कुछ उसका। ये क्या कह रहे हो रणवीर, तुम इसे फिर से एक मौका दे रहे हो? सोनिया प्लीज, ये हमारे आपस का मामला है। What do you say, Rajiv? 200 million. All or nothing. Race is on my mind. Race is in my soul. Race is in my life. My heart is racing on. Let's do it. You ready? इस गाड़ी में तो कोई भी जीत सकता है। रेस कार नहीं, चलाने वाला जीतता है।
No brakes. What? ओ बड़े भैया, ब्रेक वेक सब फर्स्ट क्लास चल रहा है ना? See you in hell. मैं भी वहीं आ रहा हूं, लेकिन 50-60 साल के बाद. It's Ranveer. रानी मेरी जान, कोई आखिरी ख्वाहिश? तुमने गलत कहा राजीव, हम अगले 50-60 साल बाद नहीं, अभी 5-6 मिनट में मिलेंगे. अच्छा, वो कैसे? तुम्हारी गाड़ी में बॉम्ब है, याद है जॉकी मोंटो? अब ब्रेक मत लगाना, अगर तुम्हारी स्पीड 100 से कम हुई तो तुम्हारी गाड़ी उड़ जाएगी. अब ना मैं रुक सकता हूं ना तुम, मेरी ब्रेक लग नहीं सकती और तुम लगा नहीं सकते. तो ईमानदारी से रेस लगाई थी, लेकिन राजीव ने आज फिर मुझे धोखा दिया. मैंने गाड़ी में कोई बम नहीं लगाया था. वाह,
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। सर ये कहानी तो खत्म हो गई। नहीं मैं नहीं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी इसका दी एंड बाकी है। आइए बड़े मियाँ आइए। मिनी इनकी गाड़ी में 200 मिलियन है, 100 मिलियन इनके और 100 मिलियन बेचारे स्वर्गीय छोटे मियाँ के। क्यों ना मैं इन्हें मारकर सारा पैसा ले लूं। वैसे भी दुनिया की नजरों में भाई साहब तो मर चुके हैं। क्यों गन नीचे करो, मुझे सिर्फ ईमानदार लोगों से डर लगता है। मरूंगा मैं नहीं, मरेगा वो। हाँ मैं रणवीर बोल रहा हूं यार, होटल में मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। ठीक है शाम को कब मिलते हैं? और तुम्हें एक ऐसी डेड बॉडी का इंतजाम करना होगा जिससे तुम आसानी से मेरी डेड बॉडी प्रूफ कर सको। डोंट वरी पार्टनर, जहां पैसा हो वहां कुछ भी हो सकता है। $20 million बहुत बड़ी रकम होती है। I'm sorry. This is where we say goodbye, Ronnie. You cracked the biggest scam of the century, dude. Sonia, इनको इनका शेयर दे दो। Take it, Mini. Keep it in the car. साथ काम करने में मजा आया। बाय बाय। सर इतने सारे पैसे मैंने कभी नहीं देखे। मेहनत का फल है, बैग खोलकर देख लो।
पूरे 200 मिलियन लेने के लिए अगर मुझे मारने की कोशिश की होती तो तुम भी नहीं बचते। आई होप वी नेवर मीट अगेन। स्मार्ट बॉय। Fida, 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 tujhpe.